हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर VFX। और आज जो हम ट्यूटोरियल देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर 51 है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि ट्यूटोरियल नंबर 50 के बाद मैं जो ट्यूटोरियल होंगे वो थोड़े एडवांस, थोड़े बेहतर होंगे और आपको और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इसके पहले मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, ट्यूटोरियल नंबर 50, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube के पेज में जाके उसे देख सकते हैं, यहाँ पे वो ट्यूटोरियल है। और साथ ही साथ आप मेरे Facebook को पेज को लाइक करें, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो Facebook में पहले होता है और YouTube में बाद में होता है। तो देखिए, जैसे कि जो वीडियो है इसका अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दिया था, बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आया इसलिए मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ है, लोगों के पोस्ट जो पोस्ट करते हैं अपने काम करके, तो आप भी अपना काम करके वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम काम करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, जो हमारा बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड कैसे बनाए उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड है, इसे पहले रेडी करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक बुक रखेंगे, बुक के बाद फोटोज में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद उसे ब्लेंड करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज यूज़ किए हैं जो मेरे पास है। ये मेरे इमेजेस है, इसमें से दो फोटो दुल्हन का है और उसके बाद एक बुक का फोटो है जो मैंने सिंपल गूगल से लिया था, और उसके बाद एक ग्रैंड का टेक्चर है जो मैंने गूगल से लिया था। अब मैं सबसे पहले इसे बंद करता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप जाएंगे फाइल न्यू, और यहाँ पे आप उसका विड्थ और हाइट देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्या देना है मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको जो साइज़ को प्रिंट कराना है आप वही साइज़ दें। आपका कोई साइज है आपके दिमाग में कि उस साइज़ में आप प्रिंट कराओगे तो उस साइज़ ही दें। यहाँ पर मैं साइज नहीं दूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली ग्रंज का टेक्चर जो है उसे ओपन कर लूँगा। राइट क्लिक, ओपन विथ फोटोशॉप। तो यहाँ मैंने ग्रंज का टेक्चर ओपन कर लिया। अब मैं इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करूँगा ताकि वो हमारे इफ़ेक्ट के साथ मैच हो। तो मैं यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट टूल, वहाँ से एक ग्रेडिएंट मैप लूँगा और यहाँ से कुछ चूज़ कर लूँगा। ये अच्छा है, मैं इसे रखता हूँ जैसा कि मेरा उस इमेज में था। ये होता ये है कि ग्रेडिएंट मैप नीचे वाली इमेज के साथ ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें बहुत सारे लाइट्स है, अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं जाऊंगा लेवल्स में, एक लेवल्स लूँगा, लेवल्स में थोड़ा लेवल को कम करूँगा। बस एडजस्ट हो गया। अब मैं जो बुक था उस बुक को यहाँ पे लूँगा, तो हमारी जो बुक है बुक को यहाँ ड्रैग करके डाल दूँगा, या फिर ओपन भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। यहाँ मेरा बुक आ गया। अब मैं इसे बड़ा कर लूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ड्रैग करके इसे बड़ा कर सकते हैं आप। तो इससे मैंने बड़ा कर लिया। अब मुझे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काटना होगा। इससे इसके पहले मैं इसे रेस्टराइज कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रेस्टराइज लेयर ये कर लूँगा। इसके बाद अब मैं इसे काटूँगा। तो काटने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा और जो एरिया मुझे नहीं चाहिए उसे काट कर हटा दूँगा। ये सब इमेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इमेज मेरे वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें आपको ये सब इमेज मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ काट लिया, कटिंग कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है, पर आप जब करें तो अच्छा करें, आप अलग अलग टूल यूज़ करें तो आपका कटिंग बेटर होगा। ये हो गया। अब मैं इमेज को प्लेस करूँगा, तो अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि इमेज को प्लेस करें। तो मैं उस दोनों इमेज को ओपन कर लूँगा, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करता हूँ, पहला हो गया, दूसरा
तो दोनों इमेज मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिए। अब दोनों इमेज को मुझे प्लेस करना है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि दो फोटो है, जो राइट साइड का एंगल में फ़ोटो है उसे मैं राइट में रखूँगा, जो लेफ्ट साइड का एंगल में फ़ोटो है उसे मैं लेफ्ट में रखूँगा। अब मुझे इसे बड़ा करना होगा, कंट्रोल टी प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा करूँगा और इसका ओपेसिटी कम करूँगा और देखूँगा किस हिसाब से मैच होता है। अब यहाँ पे इसे मैं डाल देता हूँ। अब मुझे इस बुक का पेज का एक सिलेक्शन बनाना है जिसके साथ मैं इसे काटूँगा। तो सिलेक्शन बनाने का तरीका जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत से ट्यूटोरियल है जहाँ पे सिलेक्शन बनाने का तरीका दिखाया गया है, तो आप जाए वहाँ देखें अगर आपको नहीं आता। अगर आपको आता है तो सिंपली जो टेक्निक आपको आता है उसे यूज़ करें। यहाँ पर मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से मैं यहाँ सिलेक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ मैंने सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पाथ है मेरा, उसको मैं सेव कर दूँगा, न्यू में ड्रॉप करता हूँ तो सेव हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा पाथ बन गया। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो मास्क का बटन है यहाँ पे ऐड मास्क, वहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरा मास्क कट गया। अब इसका ओपेसिटी पूरा कर देता हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ तो ये मेरा अभी पेपर में एडजस्ट हो गया है। अब मुझे दूसरा इमेज को एडजस्ट करना है। ये मैं दूसरा इमेज है, इसे मैं फिर इसी तरह पहले से बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद मैं उस पेज का सिलेक्शन बनाऊँगा। ये मैंने पेज का सेक्शन बना लिया। अब मैं इसको इससे काट लूँगा, मैं प्रेस करूँगा ऐड मास्क में तो ये उससे कट जाएगा। इसके बाद अब मुझे दिखाना है ऐसा कि वाकई में इस पेज में है। तो इसके लिए जो मेन लेयर था, ये लेयर, इसको मैं कॉपी करूँगा। अभी मुझे क्या करना है कि इन दोनों के फ़ोटो के बीच में एक ब्लैक कलर का शैडो का लेयर बनाना है। शैडो आप जैसे बनाएं आपका मर्जी, पर यहाँ पे मेरे पास जो किताब है इससे मैं बहुत इजीली बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए सब कुछ वाइट है पर ये जो मिडिल का जो पार्ट है वो ब्लैक है, तो मैं उसे यूज़ करूँगा। मैं एक कंट्रोल जे करके कॉपी बनाऊँगा और ऊपर रख दूँगा। ऊपर रखने के बाद मैंने उसे ऊपर रख दिया। अब मैं इसे करूँगा मल्टीप्लाई। कुछ टेक्निकल इशू के लिए सॉरी। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो फ़ोटो है इस बुक में ही लगा है, तो मैं जो ये लेयर है हमारा एक बुक का लेयर जो था नीचे वाला, इसे मैं कॉपी कर लूँगा। इसका कॉपी का रीज़न ये है कि आप देखें कि ये बीच में ब्लैक है और पूरा पूरा वाइट है, तो मैं इसे इजिली यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। पहले मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे जिससे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं इस लेयर को सबसे ऊपर रख दूँगा। सबसे ऊपर रख दिया। अब मैं सब लेयर को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं जो मेन लेयर है सबसे ऊपर जो मैंने अभी रखा, उसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बहुत ही लाइट है। अब मैं इसका बहुत सारा कॉपी बनाऊँगा जिससे ये डार्क हो जाएगा। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे, ये प्रेस करते जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके डार्क हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब लेयर को मर्ज कर दूँगा। मैंने सब एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ई कंट्रोल ई, तो ये मर्ज हो गया है। अब मैं इसे कर दूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसका और एक कॉपी बनाऊँगा। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे, तो आप देखें काफ़ी डार्क हो गया है। अगर आपको इतना डार्क नहीं चाहिए तो आप इसका कॉपी थोड़ा कम करेंगे। इसके बाद मैं एक चीज़ देखें कि आपको साइड में था वहाँ भी ब्लैक हो गया है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली जाऊंगा, लूंगा इरेजर टूल और इसे इरेज कर दूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ दो लेयर है, मुझे एक ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा डार्क हो गया है, तो मैं एक बंद कर देता हूँ। तो आप देखें कि हमारा इफेक्ट रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसका ज़रूर देखें, जो मैं बनाने वाला हूँ
बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।